पंजाब के किसानों का आक्रोश अब भी बरकरार है। शंभू बॉर्डर पर अभी जोरदार घमासान है। एमएसपी कानून और कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर अन्नदाता अड़े हैं और दिल्ली जाने के लिए सुरक्षा बलों से भिड़ पड़े हैं। कई दौर की वार्ता हुई, दोनों पक्ष हर बार सकारात्मक वार्ता का दावा तो कर रहे हैं और वार्ता बेनतीजा ही रही है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने लगी है, खासकर उत्तर भारत राज्यों की तो हालत पतली होने लगी है। किसान आंदोलन से दूसरे कारोबार पर बुरा असर पड़ने लगा है। देश के कारोबारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित हो रहा है। किसान आंदोलन से अब तक करीब 300 करोड़ के कारोबार का नुकसान अकेले दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। वहीं अम्बाला शहर का कपड़ा मार्केट ठप हो चुका है। इस आंदोलन के चलते उद्यमियों को अब तक 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान उद्यमी लगा रहे हैं। इसके अलावा माल भाड़े में भी 10% तक का इजाफा देखा जा रहा है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में उद्यमियों के लिए निर्यात टारगेट को पूरा करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की माने तो लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन से प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा और उत्तरी राज्यों मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP पर बुरा असर पड़ेगा। बता दें कि पंजाब से दिल्ली कूच करने वाले किसानों के लिए बेशक अभी दिल्ली दूर है और सुरक्षा व्यवस्था सरकार की मुस्तैदी देख किसानों का हरियाणा में प्रवेश और उसको पार करना भी मुश्किल लग रहा है। किसानों का दावा है कि उनके आंदोलन से आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन उनके दिल्ली कूच से अब आम लोग को परेशानी होने लगी है। किसानों को रोकने के लिए बनी बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजाम ने दिल्ली NCR की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कई इलाकों में लंबे जाम लग गए हैं। बोर्ड परीक्षा में जा रहे छात्रों को देरी का डर सताने लगा है, साथ ही आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को भी देरी हो रही है। आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों के बीच किसानों का आक्रोश अब भी जारी है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि किसानों का ये गुस्सा अभी और लंबा देखने को मिल सकता है। शंभू बॉर्डर पर करीब 6 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लंबी लाइन ने परेशानियों को और बढ़ा दिया है। खबरों के मुताबिक शंभू खनेरी बॉर्डर पर किसानों के 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली कूच की तैयारी में खड़े हैं, साथ ही किसानों ने JCB और हाइड्रोलिक क्रेन भी मंगवा रखी है। किसानों का दिल्ली कूच करने के लिए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद है। शंभू बॉर्डर पर दंगा रोधी पुलिस के 700 जवान तैनात हैं। पंजाब से हरियाणा जाने वाली भारी मशीनों की आवाजाही पर रोक है, यानी ये परेशानी अभी खत्म होती दिख नहीं रही है।